हेलो फ्रेंड्स, आपके फेवरेट चैनल एबीसी क्राफ्ट पर मैं अरुणा आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें और बेल के बटन को दबाना ना भूले ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम छोटी छोटी सी काइट्स बनाएंगे। काइट फ्लाइंग डे बहुत नजदीक आ रहा है तो हमारे लड्डू गोपाल के लिए हम छोटी छोटी काइट बनाएंगे और उन काइट को हम और किस तरह से आगे भी डेकोरेट कर सकते हैं वो मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगी। डेकोरेटिव काइट बनाने के लिए देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने छोटे छोटे से पेपर्स रखे हुए हैं, फैंसी पेपर्स हैं, ग्लिटर पेपर शीट है, जैसे पतली वाली है, आपके पास में जैसे भी फैंसी पेपर हो आप वो ले सकते हैं। जैसे मेरे पास देखिए ये छोटे छोटे से पीसेस रखे थे, इससे ही बनाएंगे हम। देखिए छोटी काइट्स बनाने वाले, छोटी छोटी डेकोरेशन की काइट, तो जो भी आपके उसमें छोटे छोटे टुकड़े पड़े हों फैंसी पेपर्स के वो आप इकट्ठे कीजिए, उससे हम बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास वो नहीं हो तो फोम शीट ले लीजिए, फोम शीट पे आप आराम से बना सकते हैं, या कोई भी प्रिंटेड पेपर ले लीजिए, उससे भी आप आराम से छोटी छोटी डेकोरेटिव काइट बना सकते हैं। तो चलिए आइए काइट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, देखिए मैंने छोटा सा एक पीस लिया है, ग्लिटर शीट का है, ये नॉर्मल ग्लिटर पेपर है नॉर्मल ये। और साथ में देखिए मैंने यहाँ पर आपको एक कटिंग दिख रही होगी, देखिए स्क्वायर कटिंग मैंने बना के रखी हुई है। देखिए साइज आपको जैसा साइज चाहिए वैसे साइज की आप कटिंग बना के रख लीजिए तो बहुत कंफर्टेबल होगा, क्योंकि थोड़े पेपर पतले होते हैं तो हर एक में साइज मापना और लगाना, उससे बेटर होगा कि आप एक छोटे से कार्ड पेपर पे एक साइज बना लीजिए अपना। जैसे मैंने 2 इंची बाय 2 इंची का एक साइज बना के रखा है स्क्वायर में। देखिए शेप्स आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, काइट की बहुत तरह की शेप्स भी होती हैं आजकल, बट मैंने स्क्वायर ही रखा है। और ये 1 इंची बाय 1 इंची का स्क्वायर कटिंग करके मैंने उसका ट्रायंगल कर दिया है, तो प्रॉपर हमें ट्रायंगल मिल जाता है यहाँ पर काइट के लिए। तो इस तरह का हम सबसे पहले स्क्वायर शेप कटिंग कर लेंगे और इससे हम जो हमारा पतला सा पेपर है उस पर ड्रॉ करके कटिंग कर देंगे। इसे भी हमने ड्रॉ कर लिया और जो छोटा ट्रायंगल हमने बनाया था इसे भी हम इस तरह से ड्रॉ करके ये देखिए हमने इस पर ड्रॉ कर लिया है। अब इसे हम कटिंग करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने कटिंग बनाकर तैयार कर ली है। अब देखिए पेपर बहुत पतला था तो नीचे मैंने एक थिक पेपर लगाया है। देखिए एक कटिंग और मैंने तैयार कर रखी। करना क्या है, कोई भी थिक पेपर ले लीजिए जैसा आपके पास में हो, ठीक है। उस पर देखिए मेरे पास तो स्टिकिंग वाला पेपर है, नीचे स्टिकर वाला है। अगर आपके पास नहीं हो तो आप फेविकोल से, नॉर्मल पेपर को फेविकोल से लगा दीजिए। बहुत पतला होने की वजह से मैंने ये लगा कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से इसे चिपका देना है। सेम उसी तरह से हमने जो नीचे का इसका ट्रायंगल जो बनाया है इसे आप देख रहे होंगे मैंने 2 कलर का पेपर लिया है, सेम कलर लिया है। और ये देखिए इसके साथ मैंने रेड कॉम्बिनेशन ट्राई किया है। काइट से कलरफुल होती है तो जैसे चाहे आप वैसे बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से चिपकाने के बाद में इसके हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमें ये हमारी काइट का बेस मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, कोई भी डोरी लेंगे। ये देखिए जैसी डोरी आपके पास में रखी हो रिबिन ले लीजिए, कलरफुल पतले पतले बारीक रिबिन आते हैं, अगर आपके पास रिबिन हो तो रिबिन ले लीजिए, कोई भी फैंसी डोरी हो डोरी ले लीजिए। मेरे पास में देखिए इसको मैच करती हुई इस तरह की एक डोरी रखी थी तो मैंने उसका इस्तेमाल किया इसके अंदर। सबसे पहले तो एकदम सिंपल स्ट्रेट में हम लगा देंगे, फेविकोल की हेल्प ले रही हूँ मैं इसमें। ये देखिए इस तरह से हमने सीधी लगानी है। आपके पास ग्लू गन है तो उससे भी लगा सकते हैं, बट फेविकोल से मैं लगा रही हूँ क्योंकि पतली है एकदम ये, और फिनिशिंग के लिए बहुत जरूरी है, ग्लू थोड़ा मोटा निकलता है।
ये देखिए, अब एक और लेंगे हम और से इस तरह से पूरा राउंड में हम लगा देंगे। शेप आप देख रहे हैं, थोड़ी सी मैंने ऊपर की तरफ रखी, एकदम स्ट्रेट नहीं रखी है। देखिए छोटी छोटी डेकोरेटिव काइट है, लड्डू गोपाल के लिए भी हमें चाहिए होती है, तो देखिए खरीदने के बजाय आप घर में खुद आसानी से बना सकते हैं और ये बहुत ही रिजनेबल रेट में बन जाएगी, बिल्कुल भी बहुत कोई कॉस्ट नहीं आएगा इसमें ज़्यादा। इसे सूखने देंगे अच्छे से और साथ ही साथ ये जो हमने ट्रायंगल बनाया है इसे भी हम इस पर लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए छोटी सी काइट हमारी तैयार हो रही है, पूरी तरह से नहीं हुई है। अब जब ये सूख जाएगा, पूरा अच्छे से सूख जाएगा, तो इस काइट को हम डेकोरेट भी करेंगे। सूखने के बाद मैं इसका डेकोरेशन बताती हूँ आपको। पहले वाली काइट दोस्तों सूख कर तैयार हो रही है, तब तक हम दूसरी काइट को हम डेकोरेट कर लेते हैं। इसमें देखिए इस तरह से ये हमारी काइट है, ये छोटा सा हमने पीस लिया। साथ में आप देख लेंगे छोटी सी हैंगिंग रखी, बहुत ही हल्की, एकदम लाइट वेटेड हैंगिंग है ये। आप चाहे तो घर पर ही बना सकते हैं, छोटे छोटे मोती को लेके बनी हुई है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें काइट को हम इस तरह से पहले उल्टा रख लेंगे और अच्छे से हम ग्लू ले लेंगे। और सबसे पहले हम इस पर हैंगिंग हमारी लगा देंगे। साथ में एक देखिए छोटा स्क्वायर सेम पीस आप देख रहे हैं कार्डबोर्ड का मैंने कटिंग कर रखा है, चार्ट पेपर का सॉरी, इसे भी हम इस पर लगा देंगे। देखिए फिनिशिंग की बात है, जितना फिनिशिंग रखेंगे आपकी काइट उतनी ही सुंदर लगेगी। जब हम डेकोरेट करेंगे या अलग सजाएंगे तो फिनिशिंग के साथ क्या हुआ काम बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। ये देखिए सेम हम लगाएंगे तो पीछे से पता भी नहीं चलेगा। ये देख रहे हैं आप, एकदम इसमें पेपर में मिल गया हमारा पेपर पूरा, सावधानी से हम सीधा कर लेते हैं। अब देखिए इसके लिए मैंने इस तरह का प्लेन रिबन, जो मैं आपको बता रही हूँ प्लेन रिबन, उसका हम पतले वाले प्लेन रिबन का इसमें इस्तेमाल करेंगे। जो चीजें आपके पास में हो आप उसका इस्तेमाल करके बनाएं। सिंपल है, थोड़ा सा नीचे से छोड़ दिया क्योंकि नीचे हमारा ये ट्रायंगल सेट होने ही वाला है। ये देखिए सेंटर पर से हो गया। अब एक और हम लगाएंगे, बिल्कुल जैसे मैंने पहले वाले में बताया था आपको वैसे ही लगाना है। थोड़ा बारीक काम है, पेशेंसली करेंगे तो आराम से हो जाएगा।
इस तरह से आप ढेरों कलर्स की छोटी छोटी काइट्स बना सकते हैं। अब देखिए जो ट्रायंगल बचा है हमारा, इसे हम इस पर इस तरीके से लगा देंगे। खूब अच्छे से हम फेविकोल लेंगे। ये देखिए आप देख रहे होंगे हमारी ये काइट रेडी हो गई है। सूखने के बाद इसमें हम इसको प्रॉपरली पकड़ सकेंगे, सूखेगी जब भी, नहीं तो लटकन या ये निकल ना जाए। देखिए बहुत ही सिंपल बनाई है, इसमें हम और कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि खुद पेपर इट्सेल्फ इतना शाइनिंग है, पूरा शाइन वाला पेपर है, साथ में हमने एक हैंगिंग दे दी तो बहुत कुछ चिपका के से एकदम जैजी नहीं बनाएंगे, बस इतना ही सिंपल रख देंगे। दोस्तों देखिए पहले वाली पतंग हम ले आए हैं डेकोरेशन के लिए, ये वाली पतंग हमारी सूख रही है। अब देखिए इसके लिए आप देख रहे होंगे अपने छोटे छोटे से स्टोन्स रख रखे हैं, कुंदन स्टोन्स, इससे इससे हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे कॉर्नर पर, ये देखिए क्योंकि ये पूरा प्लेन है, ये वाला जो हमने ग्लिटर शीट ली है ये पेपर पूरा प्लेन ग्लिटर है, तो इसमें हम थोड़ा सा ये स्टोन वर्क कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा हम करेंगे जिससे हमारी काइट की शो बढ़ जाएगी। देखिए एक हम यहाँ सेंटर पर लगा देंगे, बस और नहीं करेंगे। देखिए हमारी काइट रेडी हो गई है, एकदम सिंपल और आसान तरीके से घर में ही जो चीजें आपके पास में है, कुछ अलग से खरीदने नहीं जाना। और ये देखिए नीचे से हैंगिंग लगाकर हमने एकदम फैंसी काइट बनाई है। इस तरह से आप ढेरों फैंसी कलर की, फैंसी पेपर्स की अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए काइट और मैंने बना के रखी है, फोम शीट आती है, ये देखिए फोम शीट जो है वो ग्लिटर वाली फोम शीट ली है मैंने, और बिल्कुल जैसे ये काइट बनाई उसी तरह से मैंने ये वाली काइट भी बनाई है। इस तरह से आप ढेरों कलरफुल काइट बनाकर लड्डू गोपाल के लिए रख सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे आगे के डेकोरेशन में, हमारे डेकोरेशन में यूज करेंगे ये, और साथ ही साथ आप अपने डेकोरेशन में भी यूज कर सकते हैं, गिफ्ट करने के भी यूज कर सकते हैं। ये भी एक चीज और बता रही, जितनी भी मैंने काइट्स बताई हैं आपको, और भी बनाएंगे हम काइट्स अलग अलग वैरायटी की, सब नेक्स्ट वीडियो में हम एक और काइट डेकोरेशन लेके आएंगे, सुंदर सी ट्रे लेके आएंगे जो हम संक्रांति पर दे सकते हैं, वैसी ट्रे पर हम ये काइट के साथ डेकोरेशन करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तैयारी कर लीजिए काइट बनाने की, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम काइट के साथ डेकोरेशन सीखेंगे। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलते हैं कुछ और नया लेके, तब तक के लिए बाय।